हेलो जी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिर से हाजिर हो गया आपकी खिदमत में। अभी अभी मैं उठा हूँ, अभी जाना है जरार के एक प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट है उसका P1 का, वो शूट करना है। उसके लिए आज भाई आपका एक्टर बना हुआ है, वो शूट करके वो एक दोस्त की शॉप पे जाना है, दोस्त को शूट करना है। आज के दिन तो वो कम्प्लीट नहीं होगा, 2-3 ब्लॉग्स आपको आते रहेंगे उसकी शूट के, क्योंकि हम 2 दिन ही हमारे पास होते हैं और वो हमने शूट भी चकवाल में ही करना है, क्योंकि हमारी लोकेशन जो है ना शूट की वो है ही चकवाल की। क्लासेस के भी 2 हफ्ते रहेंगे, उसके बाद हमारा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। इसी 2 हफ्तों में हमने वो शूट कम्प्लीट करना है, क्योंकि जो फाइनल है ना उसमें जरार ने वो फाइनल शूट देना है सर को। तो अभी आपको दिखाता हूँ मेरी एक्टिंग कैसी है, आप लोगों ने बताना है कमेंट में। हमारे जाल भी है एक इधर, इसमें देख लिया अपने कबूतर कैसे कैसे। मैं तो काफी टाइम बाद इधर आया हूँ। वो काके भी आए हैं छोटे छोटे से, वो नीचे उसके गैस ने भी 2 अंडे दिए हुए, 3 बच्चे 4 पटे। ये इनकी लड़ाई हो रही है। पहले मुझे भी शौक था है, मतलब कि अभी भी, पर मैं यूनिवर्सिटी से जब आता हूँ ना तो हफ्ता इतवार ही पास इधर चक्कर लगाता हूँ जाल में। वैसे तो मैं पूरा हफ्ता इस्लामाबाद होता हूँ, तो कभी कभी इधर चक्कर लगाता हूँ, देखता रहता हूँ क्या हो रहा है। और साथ वाले में ये है एक मुर्गा और 2 मुर्गियाँ, ये रखी हुई अंडों के लिए। ये अंडे शंडे देती रहती हैं 1-2। ये पहले बहुत ज्यादा थे कबूतर, ये दोनों खाने भरे हुए होते थे, अभी ये बहुत कम हो गए, बीच में खत्म कर दिए थे, फिर दोबारा लेके आए ये। निकलो तो बाइक ही नहीं है, अभी भाई को कॉल किए, भाई बाइक लेके गया है पार्क में, वो अभी आएगा तो फिर मैं जाऊँगा। ऊपर से जरार की कॉल भी आ गई है कि मैं लोकेशन पर पहुँच गया, जल्दी पहुँचो। आपकी बाइक की डिमांड बहुत है ना, इसलिए जब तक मैं नहीं जाऊँगा शूटिंग स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मेन एक्टर ही मैं हूँ, एक्टिंग ही मेन ही करनी है। अभी भाई आएगा, बाइक लेके आएगा, फिर मैं जाऊँगा। लेट बहुत आई हुई है, 12:30 हो गए और शूट भी थोड़ा लंबा है, शाम तक मुश्किल से ख़त्म होगा। दिल है कि जल्दी जल्दी इसको रैप अप करें और फाइनल कट जो है ना जरार को पकड़ाएँ। क्या करें, एक मसला ख़त्म नहीं होता, दूसरा भी साथ स्टार्ट हो जाता है। बस फिलहाल मैं तो धूप लगवा रहा हूँ, बड़े मजे की धूप है, हाय हाय हाय, बहुत मजे की धूप है। A few moments later, कॉर्डिनेटर साहब की दुकान पे, यहाँ पे हमारी लोकेशन है इसकी शूट की, ये सेटअप हो रहा है पीछे। आपका भाई मेन एक्टर है, 3 बार बता चुके, बहुत खुशी आज इसलिए। और ये चट्टा साहब, ये हमारे चट्टा साहब है चौधरी नसीम चट्टा, इनकी ये शॉप है मुझे खान ट्रेडर्स, और सॉरी कोई ना वाला ट्रेडर्स भाई जान। ये एक मिनट में बोर्ड दिखा देता हूँ, ये यहाँ क्या क्या सेंट्री का मुकम्मल, अच्छा ये सेंट्री का मुकम्मल सामान है। किसी ने भी आना है कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मेन ये कॉलेज रोड है, गर्ल्स कॉलेज है, इसके सामने इनकी शॉप है। किसी ने भी सेंट्री का कोई सामान लेना है इनसे आके ले सकते हैं। तो बस अभी ये सेटअप कम्प्लीट हो रहा है, ये सेटअप कम्प्लीट होगा तो फिर आपका भाई एक्टिंग करेगा। तू चला जा, पर मेरी खैर है, निकल। आपके भाई की एक्टिंग भी आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। ये हमारे मेन डायरेक्टर साहब, वो भी मेन डायरेक्टर हमारे, ये भी हमारे मेन डायरेक्टर है, ये हमारे साथ कैमरा मैन है। ये अभी सेट कर रहे हैं अपना गिम्बल, ये गिम्बल सेट होता है, फिर आपका इंशाल्लाह भाई के शूट स्टार्ट हो जाएगा। ये फाइनली शूट स्टार्ट होने लगा है और आपके भाई ने वो उधर सामने से चल के आना है, बस चल के आना है। और यहाँ पे शॉप है, ये मेरे शीशे बगल लड़के में, हमने स्टोरी है कि ये एंटीक मेरर की शॉप है। यहाँ पे शॉप पे आएगा, एंटीक चीज़ का पूछेगा, शीशे का पूछेगा, वो पूछ के तो वो सारी स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में समझा दूँगा। शूट हो रहा है, मज़े का शूट हो रहा है, आपको भाई बेस्ट दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक्टिंग है मेरी, वाह जी वाह, खुश हुआ है। और बस 3-4 शॉट्स हो गए, 3-4 रह गए हैं, थोड़े बहुत ही शॉट है इस शॉप पे, बाकी घर के शॉट्स हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, आज ही करेंगे। तो ये गाइस अभी बिहाइंड द सीन शूट चल रहे हैं, ये हमारे एक्टर हैं, ये एक्शन एक्शन बोल रहे हैं पर ये अभी इधर ही खड़ा है। ये गंगू साहब जा रहे हैं, एक्टिंग शुरू होगी अब इनकी। ये हमारे मुगल साहब हैं और वो हमारे पीछे कैमरामैन सैयद ज़ैन अब्बास का आदमी।
ये एक्टर्स की देखो ना हालत देखो। ये दरमियान में जो है ये हमारे चट्टा साहब हैं, सरदार नसीम खोसा साहब, ये चई साहब हैं। मेरी आवाज़ से तो आप पहचान ही गए होंगे। डी ओ पी साहब कह रहे हैं कि आप थोड़ा साइड पे हो जाएं। ये गांव साहब शीशे लेके जाते हुए। हाँ जी, रैप अप हो गया था शूट का, शॉप पे जो शूट था चट्टे साहब की दुकान पे वो कर लिया। अभी जा रहे हैं घर पे, घर पे जो शूट है वो करेंगे और बस फिर शूट ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक दिन में तो सारा शूट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है सामान अभी तक मैंने ये रखा हुआ है। ये हमारा गिम्बल और ये कैमरा वगैरह। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, काफ़ी डायरेक्शन अच्छी बता रहे हैं कहाँ से कैसे डायरेक्ट करना है। बहुत अच्छी एक्टिंग डायरेक्टिंग करा रहे कर रहे हैं, सॉरी डायरेक्शन बहुत अच्छी है इसकी माशाल्लाह। One eternity later. तो गाइस ये हमारी शूटिंग पहुंच गए दूसरी लोकेशन पे। यहाँ पे एक गांग साहब होंगे, एक इनका जिन होगा। हाँ बिल्कुल, ये इसमें एक मैं होगा और ये सामने मेरे एक जिन होगा, रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पे अभी सारा सेटअप हो गया। हाँ सारे मैंने सारे मुझे देख रहे हैं, इनका मेन एक्टर मैं हूँ ना इसलिए। और पहले इधर मेहमान बैठे थे, उनको भेजा हमने बैठक में कि आप लोग अंदर जाओ, हमने यहाँ पे शूट करना है क्योंकि क्योंकि हमारी कहीं और लोकेशन सेट नहीं हो रही थी, कमरों में कर नहीं सकते क्योंकि कमरे छोटे हैं। तो इस वजह लोकेशन है बस ये वाली और नहीं है। नहीं कमरे छोटे थे इस वजह से वो सही वहाँ पे शूट नहीं हो सकता था, इसलिए हमने कहा कि हम टीवी लॉन्च में शूट करेंगे। बहुत अच्छा एक्टिंग है ये, हमारे डायरेक्टर साहब से पूछे ना। ये तो आप हमसे पूछे ना कैसी एक्टिंग है। नहीं नहीं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आप भाई। ये थोड़ी सी लूडो ये इतनी देर में लूडो शूडो खेल रहे हैं, जितनी देर में हमारा ये सेटअप हो रहा है। अभी एक वो लाइट आनी है क्योंकि ये वाली जो लाइट है ना, ये लाइट ये बहुत कम है, शूट के लिए हमें ज़्यादा लाइट चाहिए। तब तक हम इनकी लूडो शूडो देख लें। छक्का आई मौली, ए ओ हो चार। और मेरे ख्याल से दूसरी लाइट भी आ गई है। वाह जी वाह। और ये यहाँ से आपको भाई निकल के आएगा। इस लाइट तो होगी ये सेट, और अभी ये इसका इशू है क्योंकि यहाँ पे हम लगाते हैं ना, तो ये वो सामने दीवार पे शैडो में नज़र आ रहा नहीं, ये वाला ये आ जाता है, इस वजह से ये सेट नहीं हो रहा सब कुछ, शैडो का बहुत इशू बना हुआ है। कुछ इस किस्म का शॉट आ रहा है, अभी सेट कर रहे हैं, नहीं सेटिंग बन रही, सेटिंग बना ले फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली हो गई है लाइट भी फिक्स, और अभी एक इशू बन गया स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं, मेरे पास है पर वो मेल में है, और मेल के कोई गिनी चुनी मेल फोन में आती हैं शो होती हैं। अभी वो स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं कहीं से मिल जाए स्क्रिप्ट तैयार कर, उसको सही जगह नहीं मिल रहा नमाज के लिए, हमें स्क्रिप्ट नहीं मिल रही। शूट हो गया जी कैंसिल, कि वो हमें स्क्रिप्ट नहीं मिली, उसकी वजह से थोड़ा इशू बन गया। अब कल पे हो गया शूट, कल करेंगे दोबारा। दानिश भाई पीछे देखना। हेलो ब्रो, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, नो हु इज दिस गाय। बस ठीक, इनकी इंग्लिश खत्म हो गई गाइस। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त आए हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद ही बोला था, पिंडी बोला। अच्छा पिंडी, यार पिंडी से आए हैं, इस्लामाबाद की इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं यार, पिंडी के बॉय। इनको अभी घोड़े दिखाने लेके जा रहे हैं, इन्होंने देखे नहीं है कभी, पहली बार देखने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें दिखाओ, अभी जा रहे हैं डेरे पे, आपको भी जाके दिखाते हैं। और ईशान भी हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं। या ब्रो, ही इज स्ट्रेट फ्रॉम लिवरपूल, लिवरपूल, लिवरपूल रहते हैं। बीस पेंस थिंक अबाउट इट। या ब्रो, मैं नहीं मानता। पहुंच गए डेरे पे, इन्होंने घोड़ सवारी करनी है, इनको कराते हैं घोड़ सवारी, देखते हैं इनकी कैसी है। इस घोड़े पे सवारी करनी है, बहुत खुश हैं ये। क्यों बिलाल भाई जी ऐसे ही है, और घोड़ा भी मस्ती में आया हो, मैं राफे को देख रहा। दानिश भाई कितना खुश हैं आप घोड़े को देख के? मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने साथ खोते भी लाया हूँ। राफे को देखो ना, समझ रहे अभी ये राफे हमारे खोते को चारा खिलाया जा रहा है थोड़ा सा। राफे बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्यों राफे भाई क्या करने लगे हो? ओ अच्छा, बिलाल भी लगे हुए हैं। प्रोफेशनल है बंदा भाई।
राफे भाई थोड़ा नीचे मुंह रख लो यार, को नहीं खैर कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। चवाई उर्दू के आने नो बिलाल भी हमारी चवाई कर रहे हैं, पता नहीं मुझे उर्दू में क्या बोलते हैं चवाई को। इनका टाइम आ गया घोड़ सवारी का। हाँ हाँ ये बड़ा हैवी राइडर है हमारा ये भाई। पहले पहले मैं नहीं जाऊंगा भाई। नहीं नहीं दानिश भाई बैठना है। नहीं यार चलो यार राफे जल्दी करो, स्टेज पे तो ऐसे ही चढ़ गए जैसे इनाम मिलना है अभी। ये वाले दानिश ने चलो लाल भाई तकरीर करने लगे। हमने कराची में जरदारी को भगाया, नवाज शरीफ को भगाया। जरदारी तेरा प्यो है। इमोशनल डैमेज। अच्छा बिलावल भुट्टो आज चकवाल में आया हूँ। क्या करने? और चकवाल में घोड़ा चलाने घोड़ा चलाने आया हूँ। खेंचू फिर तुझे भी खेंचेगा ये भाई, छोड़ दो भाई। चढ़ गया आखिरकार, बहुत हिम्मत की है उसने, बड़ी बात है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो जाएगा घोड़े पे भाई, ले जाएगा तुझे कहीं साइड पे। सारे तमाशाई खड़े हैं यार, ये इस तरह वो डरा रहे हैं, घोड़े को डरा रहे हैं भाई, डर रहे हैं ना इस वजह से। घोड़ा बिलाल को चढ़ने नहीं दे रहा ऊपर, जहाँ जिस तरफ वो जाता है वो जाता है, तो उसको नहीं चढ़ने दे रहा वो। बिलाल भाई कह रहा छोड़ना नहीं, लंच भी आपकी बारी है। हाँ भाई मूड है। वो बड़ा मूड में है, मारता नहीं ऐसे, डराता है, डराता है सिर्फ। बैठ तू ऊपर जरार इधर उन गलत यार। सारे दरूद पढ़ लो, दानी भाई कलमा पढ़ लो, अली भाई छोड़ दो, स्टेरिंग मोड़ो उसको मुड़ जाएगा। सारा निकालिए घोड़सवारी और सारे खुश हो गए। ये राफेल और दानिश भाई लो, इस व्लॉग को करते हैं इधर ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।